गाइस व्हाट्सएप कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूँ कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था फोटो की वजह से, तो रेलवे उनको एक चांस बहुत बड़ा दे रहा है। अब तक आप पूछ रहे थे कोई ऐसा मतलब तरीका है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बताया था। हालांकि मुझे समझ में था, मेरे संज्ञान में था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर चीज़ों को आगे बढ़ाना गलत है। जब तक वेबसाइट पे नहीं आए तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो अभी वेबसाइट पे ग्रुप डी और एएलपी का जो फ़ोटो रीअपलोड का ऑप्शन है, उसमें से एक एएलपी का जो है वो ऑन हो चुका है, ग्रुप डी का भी जल्दी ही ऑन हो जाएगा। तो जिनका एएलपी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फ़ोटो की वजह से, वो अपलोड कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए जाके। और हाँ, फ़ोन वगैरह पे नहीं अपलोड करना है आपको, कहीं आप ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मतलब वो बने कि भैया मैं फ़ोन से कर लूँगा, ये आपकी ही गलती है। फ़ोन वाले वाले जो फ़ोन से भरते हैं, क्योंकि फ़ोन से बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। फ़ोन से वही बंदा भर सकता है जो बिल्कुल एडवांस हो, जिसको पूरी नॉलेज हो कि फ़ोन का मतलब फ़ोटो का साइज़ कैसे रिक्रिएट किया जा सकता है, पिक्सल कैसे नहीं फट सकते हैं, इस तरीके से फ़ोन से अपलोड किया जा सकता है। बाकी ग्रुप डी वाले भी धैर्य रखें, उनका भी ऑप्शन जल्दी से खुल जाएगा। और बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि उनका किसी किसी का तो दोनों ही रिजेक्ट हो गया, तो चलो एक उम्मीद की किरण है, इस उम्मीद की किरण को ख़त्म नहीं करना है और फोटो जल्दी से अपना ठीक कर लो ताकि आपका एग्जेप्ट हो जाए फॉर्म, और उसके बाद की कार्रवाई आपको पता है आपको करना क्या है। या आप ही लोगों की गलती थी कि क्योंकि फ़ोटो ऐसे रेलवे रिजेक्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई थी, या तो पिक्सल में आपने कुछ कम ज़्यादा कर दिया है, फ़ोटो का पिक्सल फट रहा होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। तो अभी आपको करना क्या है, साइबर कैफे पे जाना है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा वो, उसके पास जाना है और अच्छी सी फ़ोटो खिंचा लो जल्दी से, जिसके नीचे नाम हो अच्छे से, डेट हो अच्छे से, उस फ़ोटो को अपलोड करवाओ। बैकग्राउंड जैसा रेलवे ने बोला है, वाइट नीला बोला है ना, तो इस टाइप का बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई भी गलती मत करना, आखिरी चांस है। ऐसा रेलवे पहली बार कर रहा है कि आपको डेट निकलने के बाद दोबारा चांस दे रहा है फ़ोटो अपलोड करने का। कोई भी संस्थान ऐसा चांस नहीं देता, लेकिन रेलवे दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। शायद बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ इसलिए दे रहा है, तो इसलिए इसका फ़ायदा उठा लो और अपलोड कर लो। एएलपी वाले अभी कर लो, और ग्रुप डी वाले कुछ टाइम लगेगा, ग्रुप डी वालों को आप लोग मतलब आज तो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है शाम तक हो जाए, तो आप लोग ट्राई करते रहना वेबसाइट पे जाके। अभी वेबसाइट पे मैं खुद गया था तो एएलपी का मैंने देखा है कि एएलपी का चालू हो चुका है और ग्रुप डी का अभी नहीं हुआ है, सिर्फ एक नोटिस लिखा हुआ है कि जल्दी हम करेंगे, लेकिन एएलपी का चालू हो चुका है। तो अभी आपके जितने भी सवाल हैं कमेंट में करना, उसके ऊपर धनाधन धनाधन वीडियोज बनाऊंगा। और जो अभी सवाल छोड़ रखे हो मेरे लिए, उनमें से कई सारे सवाल मैंने पढ़ लिए कि अभी से मुझे स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप डी का होगा कि एएलपी का होगा। देखो, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, चाहे वो ग्रुप डी कराए चाहे एएलपी कराए। मान लो दोनों में से कोई एक कराए तो पेपर तो देना ही पड़ेगा ना, तैयारी तो उसी रिदम में रखनी है ना। चांस है कि एएलपी का पहले हो जाएगा, बाद में ग्रुप डी का होगा, चांस है, लेकिन आपको अपनी तैयारी फुल ऑफ फोर्स में रखनी है जैसा मैंने बताया है। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मैंने बताया हुआ है। आज की वीडियो में बस यही एक खुशखबरी देनी थी, मैं कभी खुशखबरी देता नहीं हूँ, हमेशा ही इधर उधर की बातें करके चला जाता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसका फ़ायदा उठाओ। आखिरी चांस है, छोड़ो मत, जान लगा दो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब बाय, बूम।